तो गाइज आप लोग देखते हैं बागेश्वर के बाद से ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद का है, तो रुद्रप्रयाग वाले जरूर देख लें, जिनका मैं फॉर्म फिल करा था रुद्रप्रयाग वालों ने, तो उसका भी जो है फाइनल रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। इसके बाद से ये प्रत्याशियों की लिस्ट है और इसी के अनुसार आपकी रिजल्ट तैयार होना है और रिजल्ट कुछ टाइम के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपका देखते हैं प्रत्याशन करने की तिथि इसकी 20 तारीख रखी गई, तो आप लोग यहाँ प्रत्याशन कर सकते हैं और जिसका भी प्रत्याशन आया हुआ है, ज़्यादातर लोगों का नहीं आ रखा है, बाकी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल है यहाँ पर, बी एड आपने का रखा है, डी एड का रखा है, कैसा बी एड, जनरल बी एड है, जनरल मतलब सामान्य से है, विशेष बी एड होना चाहिए आपके पास, तो इसके लिए था ये विशेष पी आर डी में जो अभी हाल ही में निकाली गई थी पोस्ट, तो उसी के लिए था ये, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आपका जो है इसी के अनुसार रिजल्ट होना है जारी और अपना अपना प्रत्याशन चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादातर तो लोगों के प्रत्याशन तो आए नहीं है, टोटल कितने लोगों ने फिल कर रखा है वो मैं बता देता हूँ। इसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों 200 200+ 200+ 200 300+ 200 में तो सॉरी रुद्रप्रयाग में तो बहुत लोगों ने कर रखा है, यहाँ पे टोटल 400+ हैं, 419 लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है, जिसमें जनरल बीएड वाले भी हैं, कई लोग जनरल वाले बीएड वाले बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये जनरल बीएड के लिए नहीं था, आपके विशेष शिक्षा में बीएड वालों के था, ठीक है, तो विशेष शिक्षा वालों के लिए था, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी तो आपका रिजल्ट जिलेवार आपको देखने को मिल रहा है और रुद्रप्रयाग का आज का, इससे पहले मैंने आपको बागेश्वर का बताया था, पिथौरागढ़ का था, चमोली का था, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, जो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अपना।